2009 मॉडल आपने नया लिया था ये क्या? हाँ नया लिया था। क्या करते हैं ऊपर से फिनिशिंग लेने के लिए पुटीन वगैरह ज्यादा भरते हैं? मतलब पहले एकदम बढ़िया डेंट वगैरह निकाल के फिर आपने कलर किया। तो अंकल कितना का संतुष्ट हो काम से रामफल के? 100% तो रामफल भी कितना का खर्चा आ गया इसका पेंट का थोड़ा आइडिया? अंकल कितना का टाइम लगा दिया आपके ट्रैक्टर पे रामफल ने? 25 दिन। कितना टाइम बोला था आपको? एक महीने बोला। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, तो आज आपको महिंद्रा 555 DI ये ट्रैक्टर भाई रामफल मिस्त्री ने इसको पूरा पेंट किया, क्या क्या काम किया भाई मिस्त्री से पूछेंगे, साथ में भी किन किसान भाई ने ये ट्रैक्टर तैयार कराया उनसे बात करेंगे। तो पहले आपको मैं एक बार कलर क्वालिटी दिखा लेता हूँ और बाद में ये भी बताऊँगा भाई कितने किसके इस ट्रैक्टर पर पैसे लगे हैं। भाई कम से कम पैसों में भाई रामफल मिस्त्री ट्रैक्टर है वो तैयार करता है। अगर आपने पूरा ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाना ना तो भी रामफल मिस्त्री करता है, अगर पेंट करवाना है तो पेंट का, डेंट का करवाना वो भी रामफल मिस्त्री करता है भाई। तो बात करते हैं भी किसान भाई से। आओ जी, क्या नाम है अपना जी? मेरा नाम पवन कुमार पुनिया, गाँव रेजड़ी है, राजगढ़ तहसील है, जिला चूरू। तो क्या मॉडल ट्रैक्टर है ये जी? ये 2009 मॉडल ट्रैक्टर है। अच्छा जी, 2009 मॉडल आपने नया लिया था ये क्या? हाँ नया लिया था। अच्छा, तो इससे पहले ट्रैक्टर की हालत कैसे थी? अभी आपने ये तैयार करवाया है, इससे पहले अगर पेंट वगैरह सब खराब हो रखा था? खराब हो रखा। अच्छा, और कहीं क्या नाम, डेंट वगैरह भी था क्या शो वगैरह पे? हाँ डेंट था इसमें। अच्छा, कहाँ थे जी? ये यहाँ से डेंट थे। और बाकी इंजन वगैरह कलर कैसा था पहले? ये डाउन था। डाउन था। तो रामफल का आपको कैसे पता लगा कि हमने यहाँ से त्यार पेंट वगैरह करवाना है, बढ़िया करता है? रामफल के पास से हमने 2-3 पहले देखे थे, यूट्यूब पर भी देखे थे। अच्छा, चैनल के माध्यम से भी देखे थे। ठीक है, और इससे पता चला, फिर हमने फोन पे संपर्क किया। तो और कहीं से पहले आपने पेंट वगैरह की या डेंट की कोई ट्राई वगैरह ली थी आपने? बहुत जगह ली, हमने ट्रैक्टर पहले भी तैयार कराया, शिवानी से भी तैयार कराया हमारे। कौन सा जी? 265 ट्रैक्टर है महिंद्रा। तो वहाँ से क्यों नहीं करवाया फिर आपने द्वारा? वहाँ सामान की दिक्कत है, वहाँ लेना पड़ता है या एक छत के नीचे सारा काम हो जाता है। अच्छा, इसका सामान वगैरह लेना पड़ता। तो इसमें आपने अलग से क्या क्या चीजें मतलब डलवाई है, जो नई चीज डली हो या वही सारी रिपेयर करवाई है? हमने वही रिपेयर कराया, वही तैयार कराया, वही खाली ये पायदान मॉडिफाई हुआ है। अच्छा, इस पायदानों को क्या मॉडिफाई करवाए रही? ये पैड़ी लगी है ना। अच्छा, ये पैड़ी लगा दी? हाँ, ये पैड़ी दोनों साइड में लगी। अच्छा, तो ये रामफल है ये आपने खुद ही तैयार की है पैड़ी वगैरह? अच्छा, खुद रिपेयर करके इसको बना दिया। और ये मगराट वगैरह वही है या अभी नए डाले हैं? मगराट जो ट्रैक्टर है ना, साथ का ही है, ओरिजिनल है, शो का कोई चेंज नहीं। अच्छा, चेंज कोई नहीं यार, सारा डेंट वगैरह निकाल के इसको रामफल। एक चीज बता भाई, कई क्या करते हैं डेंट निकालते हैं ना, उसमें पुट्टी वगैरह भर देते हैं। ज्यादा पुटीन वगैरह नहीं भरी? क्या करते हैं ऊपर से फिनिशिंग लेने के लिए पुटीन वगैरह ज्यादा भरते हैं? मतलब पहले एकदम बढ़िया डेंट वगैरह निकाल के फिर आपने कलर किया? सारा कलर उतार के बिल्कुल साफ करते हैं। अच्छा, वो सीट है, वो अच्छा, सब चीज, वो साइलेंसर है, सब चीज सेम है। साइलेंसर ही वो है इसका। अच्छा, सीट भी वो पुराना है जिसकी। अच्छा, वही आपने इसको रिपेयर कर दी? रिपेयर की। अच्छा, ये नई नई डाली है? नहीं, पुरानी रिपेयर कर दी। ठीक है, और कलर वगैरह आपने मतलब अभी जो नया चल रहा है वही करवाया नए मॉडल वाला? ये लाइटें अलग से डाली है। अच्छा, ये लाइटें अलग डाल दी है? स्विच लगा के एक बार जगा के, ये लाइटें अलग से इसने। अच्छा, कही है। अच्छा अच्छा, डिपर भी जगा, एलईडी लाइटें डाली है इसकी? एलईडी लाइटें डाली। ठीक ठीक है। तो अंकल कितना का संतुष्ट हो काम से रामफल के? 100% जो बोला था वही करके दिया है क्या? उससे भी ज्यादा बोला था, उससे ज्यादा। अच्छा, तो रामफल भी कितना का खर्चा आ गया इसका पेंट का थोड़ा आइडिया? खर्चा इसके ट्रैक्टर में सारा लगभग यही 1.25 लाख रुपए खर्चा आ गया। 1.25 लाख रुपए? 1.25 लाख में क्या क्या चीजें इसके अंदर आपने ऐड किया? मैकेनिक लाइन का भी कुछ काम था। क्या काम किया जी? आगे हिस्सा था, क्लच का था जो। अच्छा, आगे पीछे इंजन का जी? इंजन का काम नहीं किया। इंजन का काम नहीं किया, थोड़ा मोटा बिल्कुल ठीक था। अच्छा, मैकेनिकल थोड़ा मोटा काम किया है पीछे से, जैसे ये पायदान रिपेयर कर दिए इसके। अच्छा, एक ये नए मॉडल की इसने हैंड ब्रेक लगा दी है जी, नए मॉडल की है। अच्छा, ये इधर हैंड ब्रेक लगा दी।
ठीक है। बाकी ये हैंडल और नए मॉडल की इसमें ठीक है। और ये साइड में जो ये फेंडर्स हैं ये भी नए डाले हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए। डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाला सिस्टम। अच्छा पहले सिंगल था क्या ये? सिंगल था। अच्छा और क्या क्या चीजें डाली है? नहीं भाई और तो इसका जो जितना जेनुइन है ना वही है कंप्लीट। अच्छा जेनुइन को रिपेयर करने की कोशिश की इसमें और ज्यादा तब्दील नहीं। मतलब 1.25 लाख के करीब सारा ट्रैक्टर एकदम नया बन गया। मिस्त्री लाइन भी आ गई इसमें। अच्छा पेंट भी आ गया। ठीक है लाइटें भी आ गई लाइटें सभी नई है इसमें। ठीक है तो अंकल टायर वगैरह नहीं डलवाए आपने? कह रहा हूं वहां पर जाके। अच्छा वहां जाके डलवाओगे। छतरी वगैरह भी वहीं डलवानी है क्या? ठीक है तो रामफल भाई पे कोई किसी ने आप ट्रैक्टर वगैरह तैयार करवाना तो कोई अपना एड्रेस वगैरह भाई? फतेहाबाद में जिला। ठीक है और मोबाइल नंबर 94166। ठीक है जी 41106। ठीक है तो अगर किसी ने पेंट करवाना है तो करवा सकता है कोई भी ट्रैक्टर? कोई कैसा काम करवा सकता है वही काम है। इससे कम पैसों में किसी ने तैयार करवाना तो वही हो जाएगा भाई? हाँ इससे कम भी हो जाएगा। और पेंट वगैरह भाई अगर कोई अपनी चॉइस का कराना चाहे तो वो भी करवा सकता है? जिसकी जैसी चॉइस होगी उस हिसाब से करवा सकता है। इसका पेंट वगैरह की गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है जो आपने की है? किस चीज की है? 5 साल की। अच्छा धूप में खराब सभी चीज की? 5 साल से धूप में कैसे मर्जी रोको। ऐसे तो नहीं है कि इंजन जी खेत में काम कर गर्म होने के बाद में पपड़ी वगैरह यहाँ स्टार्ट हो जाएगी? फुल गारंटी है कलर की सारी की, कोई फेट ना हो ना कोई पपड़ी वगैरह कोई शिकायत नहीं आने वाली। पानी वगैरह में कोई शिकायत नहीं भी? पानी से क्या होता है कई जगह पपड़ी थोड़ा स्टार्ट हो जाती है फटना से स्टार्ट या त्रेड़े स्टार्ट हो जाती है वो तो नहीं है आज तक तो ऐसे आई नहीं है। अच्छा कितने का ट्रैक्टर तैयार कर दिए फिर? काफी कर दिए। अभी कौन सा ट्रैक्टर अपने पास तैयार हो रहा है रामफल? हमारे पास 4 ट्रैक्टर। 4 और हो रहे हैं। फार्म ट्रक 60 है। एक न्यू ओलैंड 5500 है। ठीक है 4600 है। अभी ये जा रहा है। अंकल कितना का टाइम लगा दिया आपके ट्रैक्टर पे रामफल ने? 25 दिन। कितना टाइम बोला था आपको? 1 महीना। 1 महीने बोला मतलब महीने के अंदर अंदर ट्रैक्टर दे दिया? 25वें दिन दे दिया। तो तैयार करने से जैसे पेंट वगैरह काम हो गया था आपके पास फोटो वगैरह कोई डाल ली भी आपका ट्रैक्टर ऐसे तैयार हो रहा है? डेली फोटो जितना काम हुआ उसकी फोटो डाल दी। फोटो डाल दी। आपको आइडिया दिया था भी कितने के पैसे इस पे लग जाएंगे? दिया था आइडिया। उस हिसाब से काम हुआ है उतने के अंदर? 1,30,000 के लमसम वो 1,25,000 भाई। इतना आइडिया बता दिया था। ठीक है बाकी तो ये आप जैसे हिसाब से आप कोई चीज इसके अंदर ऐड कराओगे इसमें छतरी कराएं? हाँ वो तो अलग पैसे हो गए। बाकी आपका हाँ ठीक है जो कलर वगैरह का इसने बताया था डेंट पेंट का बताया था बाकी जो थोड़ा मोटा मैकेनिकल काम था उसके हिसाब से 1,00,000 बताए थे। हाँ हाँ तो पावर स्टेरिंग नहीं करवाया इसको? पावर स्टेरिंग करवा लेते साथ वो तो इसमें शेम नहीं रहता ना। अच्छा हाँ मतलब आपने ये पर पुरानी चीज रखनी थी ओरिजिनलिटी रखनी थी सेम टू सेम रखनी थी। बाकी है ये सिंगल रोड पे पावर स्टेरिंग जैसा ही है इसका काम? हाँ चलो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे काम हो गया स्टेरिंग का काम हो गया। अच्छा जेन्युइन हो गया। अच्छा मतलब जो जो चीज कमी थी वो दूर कर दी इसने। ठीक है बहुत दूर से आप तैयार करवाने आए थे फिर तो राजगढ़ से आए हो? हाँ, 100 किलोमीटर जगह मान के। हाँ 100 किलोमीटर है जी अपनी गाड़ी लेके आए। अच्छा ये खड़ी। अच्छा तो हाँ। पहले वाला जो आप 265 बता रहे थे वो पेंट करवाया था वहीं से के? हाँ, पेंट करवाया था। तो वो क्वालिटी कैसे लगी थी? वही बढ़िया लगी। उसकी आपको गारंटी वारंटी मिली थी? गारंटी उसकी। अच्छा बढ़िया मिला। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन वहाँ सामान की दिक्कत हो ना फिर कदे हिसार जाओ पटियाला जाओ। नहीं वहाँ फिर सामान मिस्त्री खुद नहीं लेके आया था? ना 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 वो खुद उसको सामान लेके दो और रामफल खुद ले आता है। हाँ ये तो खुद ले आता है सारा सामान। यहाँ तो एक छत के नीचे हो गया जी आपसे आपको हम कह दो ट्रैक्टर छोड़ने के लिए आज लेने के लिए आए बस लेने आए हो आप आज या छोड़ने आए थे? छोड़ने सीधा आए थे या पहले बात वगैरह करने आए थे? भी हाँ भी बात करने के लिए गाड़ी लेके आए थे। गाड़ी लेके आए थे दूसरे दिन ट्रैक्टर छोड़ के। तो क्या कहना चाहोगे आप इस काम पर जो काम किया इसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या कोई कितना संतुष्ट हो क्या मतलब कोई अगर तैयार करवाना चाहे तो अपनी तरफ से आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे मिस्त्री के बारे में? बेचिंता होके बेझिझक होके आ सकते हो ये पूरा भरोसे वाला काम है। पूरा भरोसे वाला ठीक है मिस्त्री पे भरोसा है।
चलो रेसो के ऊपर हमने फोन पे बात करके ट्रैक्टर छोड़ा। ठीक है जी। बाकी कोई फतेहाबाद से कहीं से आपने पता नहीं किया, लोकल कोई किसी से भी आम मिस्त्री कैसे के अंदर किसी से पता नहीं? आपके कोई यहाँ रहते नहीं रहे रिलेटिव वगैरह? मतलब सीधे आप वगैरह तो हैं, हाँ जानकार है सभी, बट हमने इसका कोई वो जानकारी कोई पता नहीं किया मिस्त्री, पता चल जाता है। मतलब आप वीडियो वगैरह देख के ही आगे भी यहाँ भी कोई मिस्त्री है रामफल जो तैयार करता है ट्रैक्टर? वीडियो वगैरह क्यों, इसका ट्रैक्टर भी तैयार हुआ हमारे एरिया में जा रहा है अभी, जो एक ट्रैक्टर हमारे गांव के पास का ही तैयार हो रहा है, रामफल के पास 3600। ठीक है। अच्छा आपके पड़ोस के ही हैं? हाँ पड़ोस के। अच्छा अच्छा, मतलब उसके हिसाब से आप आगे? पहले एक मेरे चाचा करवा के ले गए थे यहीं से। कौन सा जी? 4600। 4600 बढ़िया तैयार है, बढ़िया काम चल रहा है। चलो बढ़िया, ठीक है जी अंकल जी। फिर आपका ट्रैक्टर एकदम नया बना दिया रामफल ने, नया ही लेके जा रहे हो, अब नए टायर डल जाएंगे तो एकदम नया जैसा ही हो जाएगा, बस टायरों की कमी रह गई है, छतरी वगैरह डलेगी ना तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी पेंट बढ़िया किया है, देखने में लग नहीं रहा कि आपने ये ट्रैक्टर वही मॉडिफाई करवाया, ऐसे लग रहा जैसे अभी कंपनी से नया ही निकलवा के लेके आए शोरूम से। आप मॉडिफाई नहीं कराया हमने, सेम तैयार कराया। नहीं हाँ वो हो गया अभी एकदम, आपने इसको नया बना दिया। मॉडिफाई तो जो अभी करवाओगे आप इसको, छतरी वगैरह लगवाओगे आप इसके अंदर? सिंपल लगवाओगे। चलो ठीक है जी, ओरिजिनल रखा है भाई। तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर करना भी सभी।